लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए पावर प्लांट गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल पावर प्लांट गुरुजी में। आज हम लोग देखेंगे टर्बाइन का गवर्निंग सिस्टम में स्टार्टअप ऑयल का फंक्शन और ऑक्सिलरी स्टार्टअप ऑयल का फंक्शन। साथ में जानेंगे कि स्टार्टअप ऑयल और ऑक्सिलरी स्टार्टअप ऑयल कैसे क्रिएट होता है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखते रहिए। एओपी या एमओपी का डिस्चार्ज ऑयल को कंट्रोल ऑयल कहते हैं। उसी कंट्रोल ऑयल स्टार्टिंग डिवाइस में एंट्री करेगा। स्टार्टिंग डिवाइस उस कंट्रोल ऑयल को दो ठो सेपरेट ऑयल में कन्वर्ट करेगा, यानी कि स्टार्टअप ऑयल और ऑक्सिलरी स्टार्टअप ऑयल। पहले हम लोग देखेंगे कि स्टार्टअप ऑयल कैसे क्रिएट होता है। कंट्रोल ऑयल करीब 7 से लेकर 8.5 kg/cm² प्रेशर में स्टार्टिंग डिवाइस में एंट्री करता है। स्टार्टिंग डिवाइस उसी कंट्रोल ऑयल को 5.5 kg/cm² स्टार्टअप ऑयल में कन्वर्ट करता है। अभी हम लोग देखेंगे स्टार्टअप ऑयल का प्रोपोज यानी कि फंक्शन क्या है। स्टार्टअप ऑयल एमरजेंसी स्टॉप वाल्व को रीसेटिंग और ओपनिंग होने में हेल्प करता है। अभी हम लोग देखेंगे कि ऑक्सिलरी स्टार्टअप ऑयल कैसे क्रिएट होता है। कंट्रोल ऑयल करीब 7 से लेकर 8.5 kg/cm² प्रेशर में स्टार्टिंग डिवाइस में एंट्री होता है। स्टार्टिंग डिवाइस उसी कंट्रोल ऑयल को 5.5 kg/cm² प्रेशर में ऑक्सिलरी स्टार्टअप ऑयल में कन्वर्ट करता है। अभी हम लोग देखेंगे कि ऑक्सिलरी स्टार्टअप ऑयल का मेन फंक्शन यानी कि प्रोपोज कि वो जो मेन ट्रिप वाल्व है और हाइड्रोलिक ट्रिप डिवाइस से वो दोनों को रीसेटिंग करेगा, मतलब कि रीसेटिंग करने में हेल्प करेगा। मेन ट्रिप वाल्व मतलब जो वाल्व आपका ट्रिप ऑयल और ऑक्सिलरी ट्रिप ऑयल क्रिएट करता है वो वाला वाल्व को रीसेट करेगा। और हाइड्रोलिक ट्रिप डिवाइस मतलब कि दो ठो जो है आपका ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस और लो वैक्यूम ट्रिप डिवाइस वो दोनों को रीसेट करेगा। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिला। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।